हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य बिशक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास करने वाले हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का इंस्ट्रूमेंट है आपका यूटराइन साउंड। तो यूटराइन साउंड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसको यूज करते वक्त, किस किस प्रोसीजर्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो हम लोग आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज इंटरेस्टिंग जानने के लिए। सो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोबिंग एंड डायलेटिंग पैसेज इनसाइड द यूटरस थ्रू द सर्विक्स। तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, यूटराइन साउंड आपका कुछ इस तरह का दिखता है। नीचे एक हैंडल होती है जहां से आप इसको पकड़ सकते हो, और ये पूरा एक पतली सी रॉड जैसी होती है। ऊपर का एंड इसका ब्लंट होता है, ठीक है, राउंडेड एंड होता है, और ये कुछ इस तरह का थोड़ा सा कर्व भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है, इसको हम लोग यूटराइन साउंड बोलते हैं। ये एक तरह का प्रोब जैसा है, प्रोबिंग करने के काम आता है और डायलेट करने के भी काम आता है। जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के नीचे जो सर्विक्स रहती है वो क्लोज रहती है, उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होती है अंदर जाने के लिए। तो यूट्रस के अंदर अगर आपको कोई प्रोसीजर करना है, आपको सर्विक्स को डायलेट करना होता है, उसमें आपको ये यूट्राइन साउंड हेल्प करता है, ठीक है। इट हैज अ फ्लैट हैंडल एंड अ मैलेबल शाफ्ट व्हिच इज ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर्स और इंचेस। सो फ्लैट हैंडल होती है, एक शाफ्ट होती है जो मैलेबल होती है या फिर रिजिड भी हो सकती है। तो दो तरह की आती हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे भी। और इसकी ग्रेजुएटेड रहती है, यहाँ पे इंचेस या सेंटीमीटर्स में ये इस पे लिखा रहता है, मार्किंग्स हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया, इट इज यूजुअली 4 mm थिक, ओकेजनली 3 mm। सो 3 mm से 4 mm डायमीटर की आपकी ये अवेलेबल होती है। टाइप्स में देखिए मेटल साउंड बताया गया है, प्लास्टिक का भी साउंड हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियल सैम्पलर हो सकता है। सो मेटल साउंड कैन बी बेंट टू मिमिक यूटराइन फ्लेक्शन। यूट्रस की पोजीशन कैसी है, फ्लेक्शन आपका रेट्रोवर्टेड है या एंटीवर्टेड है, ये जानने के लिए, उसकी पोजीशन जानने के लिए इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। प्लास्टिक साउंड अगर आप यूज करें तो उसमें परफोरेशन होने का खतरा नहीं रहता है, तो प्लास्टिक साउंड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और एंडोमेट्रियल सैम्पलर जो होता है वो काफी थिन होता है, और इसमें एंडोमेट्रियम का टिश्यू निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजने के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफिकेशन हम इसके कैसे करेंगे। इट इज अ मेटल ट्यूब विद स्मूथ कर्व और एंगल। सो इसकी जो कर्व होती है स्मूथ होती है इस तरह से, एक आपका यूं भी कुछ साउंड्स अवेलेबल होते हैं इस तरह का, उसमें एंगल रहता है, काफी शार्प एंगल रहता है, स्मूथ एंगल भी रहता है। तो ये देखिए कर्व में आती हैं, और इस तरह की आपकी शार्प एंगल में भी ये अवेलेबल होती हैं। इट हैज अ फ्लैट हैंडल एंड अ शाफ्ट। तो ये इसकी हैंडल पोर्शन है और ये इसका शाफ्ट पोर्शन है, ठीक है। ये स्टील साउंड है, स्टील की बनी हुई है ऊपर वाली, और ये नीचे वाली भी मेटल की बनी हुई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कैलिब्रेशन भी है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इंचेस में इसकी कैलिब्रेशन हुई है। और द टिप इज ब्लंट। सो टिप जो होती है ये ब्लंट होती है, इस तरह से गोल होती है। कुछ यूटराइन साउंड की टिप ऐसी भी आती है जिसको ऑलिव टिप कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कुछ यूटराइन साउंड में आपको ऑलिव टिप भी देखने को मिलेगा। इस तरह से ये जो गोल पोर्शन है ये सेपरेटली आपको नजर आएगा। इसमें क्या हुआ, ब्लंट एंड है, गोल है, लेकिन ये सेपरेट नहीं है, ये प्रोब के साथ ही उसी डायमीटर का है। यहाँ पे एक और पिकअप देख सकते हैं, कैलिब्रेशन कैसे हुआ है, ये सेंटीमीटर्स में कैलिब्रेट हुआ है यहाँ पे। सो 4, 5, 6 नंबर्स लिखे हैं ना, इसी को कैलिब्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक वीडियो है हमारे पास जिसमें आप लोग यूटराइन साउंड देख सकते हैं, और देखिए कितनी पतली सी है, और इसके हैंडल से हम इसको पकड़ रहे हैं। जब इसको रोटेट किया गया, यहाँ पे एक शार्प एंगल आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पे कैलिब्रेशंस भी देख पा रहे हैं उसके पीछे, और हम लोग इसको थोड़ा और पास से देखते हैं। इस तरह से आपको इसको पकड़ना होता है,
और सर्विक्स के अंदर आपको धीरे धीरे इसको एंटर कराना होता है। कोई फोर्स आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि परफोरेशन के चांसेस रहते हैं, कहीं भी इंजरी हो सकती है। बट इसको इसी तरह से होल्ड करके धीरे धीरे से आगे पीछे करके आप स्मूथ मूवमेंट कराइए ताकि सर्विक्स के अंदर हल्की सी जगह बन पाए जिसमें आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट कर सको। यहाँ पे आप लोग कैलिब्रेशंस भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा पास से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2 लिखा है, यहाँ से 2, 3, 4 यस अब ये क्लियर हो गया, 5, 6 है ना ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये कैलिब्रेटेड रहता है ताकि आपको पता चले कि यूट्रस की लेंथ कितनी है। ठीक है, जहां तक ये एंटर हो जाएगा वहां उतना ही इंच का लंबा रहेगा आपका यूट्रस। तो उसी हिसाब से फिर आपको जो प्रोसीजर करना है, डीएनसी वगैरह करनी है, तो आप उतना ही अंदर तक आप उसको डालोगे इंस्ट्रूमेंट को ताकि आगे उसमें परफोरेशन ना हो, कोई और इंजरी ना हो। तो यूट्रस की पोजीशन वगैरह जानने के लिए, उसका लेंथ जानने के लिए इस यूट्रस साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ज्यादा फोर्स आपको इसमें नहीं लगाना होता है, हल्के से पकड़ के आपको इसका यूज करना होता है। कैलिब्रेशन आप लोग देखिए, आप लोग फील भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रूव जैसा उसको करके उसमें लिखा होता है, इसको आप फिंगर से फील भी कर सकते हैं। जहां तक आपकी लेंथ हुई वहां तक आपको फिंगर रख के फिर वो प्रोसीजर्स करने हैं। दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इसको मेजर कर लेना है कि चलो 3 इंच तक इसका मेजरमेंट आया, तो 3 इंच तक आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मार्क करके फिर उनको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए इसके यूजेस में क्या क्या बताया गया है। इट इज यूज्ड फॉर साउंडिंग ऑफ द यूट्रस। सो साउंडिंग जो मैंने अभी कहा, साउंडिंग मींस यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन क्या है, उसका फ्लेक्शन कितना है, वो कितना अंदर से कितना लंबा है ना, तो ये जानने के लिए, नॉर्मल उसकी एनाटोमिकल पोजीशन वगैरह जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसीजर को साउंडिंग कहा जाता है, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम यूट्रेन साउंड रखा गया है। सिंस यूट्रेन साउंड इज यूज फॉर प्रोबिंग एंड डायलेटिंग द यूट्रस। सो ये स्पेसिफिकली सिम्स यूट्रेन साउंड है जो पिक्चर हम लोग देख रहे थे। इंश्योरिंग दैट यू कैन पास थ्रू द इंटरनल ऑस। सो आपको यहाँ पे जो सर्विक्स की इंटरनल ऑस होती है वहां पे आपको थोड़ा सा डायलेट करते हुए उसको जाना होता है धीरे धीरे करके। सो ऑस से एक बार वो अंदर चला गया, फिर आप अंदर कोई भी प्रोसीजर आपको करना हो आप कर सकते हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड पाथवे थ्रू द ऑस अप टू द फंडस। अब ऑस तक आप चले गए, उसके बाद जब अंदर जा रहे हैं तो आपको फ्री छोड़ देना होता है ताकि वो अपने आप रोटेट करे जिस डायरेक्शन में आपका यूट्रस मौजूद है, एंटीवर्टेड है कि रेट्रोवर्टेड है, उस हिसाब से वो अपने आप ही यूट्रस साउंड घूम जाएगा और आपको डायरेक्शन बता देगा कि किस डायरेक्शन में यूट्रस मौजूद है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनल, ये लेंथ मेजर करने के भी काम आता है, सर्वाइकल कैनल की लेंथ कितनी है, यूट्रस की लेंथ कितनी है। मेजर्स द डेप्थ और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑस टू द फंडस। सो एक्सटर्नल ऑस से ये इसका फंडल पार्ट है यूट्रस का है ना, ऊपर का पार्ट, तो यहाँ तक कितना लेंथ है वो मेजर करने के लिए भी ये हेल्प करता है। कैलिब्रेशन होती है, आप लोग ने डाला अंदर और देख लिया चलो ये 2 तक गया या 3 तक गया या 4 तक गया, कितना लंबा है अंदर तक आपको पता चल जाएगा। इट कैन बी यूज्ड प्रायर टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इन डीएनडी प्रोसीजर। सो डीएनडी आपको करानी है, डीएनसी करानी है, तो वहां पर आपको क्या करना है, डायलेटर्स यूज करने से पहले आप यूट्रस साउंड का इस्तेमाल जरूर करिए। यहाँ पे सर्विक्स में आप एंटर करिए, पोजीशन पता करिए, उसके बाद फिर प्रोसीजर के लिए जाइए। इट कैन बी यूज्ड बिफोर प्लेसिंग द आईयूसीडीज एज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ परफोरेटिंग द यूट्रस विद द आईयूसीडी एंड आल्सो प्रिवेंट्स द इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी इन रॉन्ग एंगल। सो पोजीशन आप पता कर लोगे तो आप आईयूसीडी, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होती हैं आपके, कॉपर टी वगैरह होती है, इस तरह का रहता है वो, तो उसको लगाने में भी आप चूकोगे नहीं, कितने डेप्थ में आपको लगाना है, क्योंकि ऐसे वो कॉपर टी सेट होना चाहिए इस पोजीशन पे और उसकी वायर निकलनी चाहिए, तो आपको लेंथ पता चल गया, उतने लेंथ तक आप कॉपर टी वगैरह इंसर्ट करके उसको प्लेस कर सकते हैं और बिल्कुल सही जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं। इसकी एंगल वगैरह आप उससे पता कर लेंगे कितने एंगल में बेंड है आपका यूट्रस, तो उसी एंगल में आपको आईयूसीडी लगाने में हेल्प होगी।
कैन बी यूज्ड प्रायर टू एम्ब्रियो ट्रांसफर टू डिटरमिन द यूटेराइन डेप्थ एंड हाउ इजीली एन एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर कैन बी पास्ड थ्रू द सर्विक्स. हियर इट मे बी कॉल्ड ट्रायल ट्रांसफर. ओके, ट्रायल ट्रांसफर हम इसको बोलते हैं. तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो आपका प्रोसीजर होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कराई जाती है, जिसमें एम्ब्रियो बाहर बना के, फर्टिलाइजेशन बाहर करा के उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है. आर्टिफिशियल ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम इसको बोलते हैं. टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने का जो प्रोसीजर होता है, बाहर जायगोट फॉर्मेशन होता है, फिर जो कैथेटर डाल के कैथेटर के अंदर वो जायगोट मौजूद होता है उसको फिर यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, तो आपको यूट्रस की लेंथ पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे साइड में यूट्रस वॉल में वो जायगोट जाके फिक्स होना चाहिए, है ना. तो आपको अगर यूट्रस की लेंथ नहीं पता होगी तो आप कैसे उसको कहाँ पे इंजेक्ट करना है आपको नहीं पता चलेगा. इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये जो आपका कैथेटर होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला ये कैथेटर, ये पाइप आपको कितना इंसर्ट करना है, उससे पहले आप यूटराइन साउंड आप डाल के देखिए, थोड़ा सा डायलेट करिए सर्विक्स को, ताकि ये कैथेटर भी आराम से पास कर पाए अंदर, है ना, कोई रेजिस्टेंस ना हो, और उसके बाद आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है देखिए, यूज में टू डिटेक्ट दी यूटराइन एनोमली लाइक सेप्टम. और अगर कोई ऐसी एनोमली हो, इस तरह की डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, यूटराइन सेप्टम हो, बाइकोरोनेट यूटरस हो, तो यहाँ पे आप वो डाल के यूटराइन साउंड डाल के पता कर सकते हैं कि अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वहां पे लग रही हो, कुछ उसके पैसेज को ब्लॉक कर रहा हो. और इधर देखिए दो दो सर्विक्स हैं, तो दो तरफ से, इस तरफ से भी आपका यूटेरिन साउंड जाएगा, इस तरफ से भी जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में क्या एनोमली है यूटरस के अंदर, क्या एनोमली हो सकती है मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है, हमें दिख तो नहीं रहा है ना अंदर का, बट जब हम साउंड डालते हैं वो एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आपको यूटरस की पोजिशन वगैरह पता चल जाएगी. बीच से वो इधर से उधर नहीं, लेफ्ट से राइट नहीं आएगा, मतलब बीच में कोई वॉल है, सेप्टम है, आपको पता चल जाएगा. सो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू यूज होल्ड द यूटराइन साउंड लाइक अ पेंसिल और डार्ट. बहुत ही हल्के से पेंसिल की तरह आपको इसको पकड़ना है. अवॉइड मोमेंटम व्हाइल यूजिंग इट, कोई भी उसमें फोर्स नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के से उसको आपको छोड़ना है. ठीक है, अंदर यूज रिस्ट एक्शन नॉट एल्बो और शोल्डर. तो एल्बो या शोल्डर का फोर्स नहीं लगाना है, सिर्फ आपको रिस्ट की मूवमेंट करनी है, यहाँ से आपको मूवमेंट करनी है, और इससे ऊपर नीचे करके आपको देखना है कि वो कहाँ जा रहा है. प्रेस फिंगर टिप्स ऑन स्पेक्यूलम टू अचीव कंट्रोल ऑफ फोर्स वाइल एडवांसिंग द साउंड. तो जब भी आप यूटरिन साउंड इस्तेमाल करते हैं, आप सिम्स वेजिनल स्पेक्यूलम का इस्तेमाल करते हैं वजाइना को डायलेट करके रखने के लिए, ताकि आपको सर्विक्स क्लियरली दिखाई दे, है ना. तो आप जब यूटरिन साउंड उसमें डाल रहे हैं तो आपको उस स्पेक्यूलम पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसका सहारा लेके आपको डालना चाहिए, ताकि आपका कंट्रोल इधर उधर ना हो, आपका हाथ हिले ना. डोंट पुश हार्ड और फोर्स एट द इंटरनल ऑस, allow slow progression through the internal os. अगर internal os तक आप पहुंच गए तो उसके बाद बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के से हल्के हल्के करके internal os को dilate करते हुए आपको जाना है. Once internal os is passed through the internal os, stop and then proceed towards the fundus. Okay, internal os एक बार cross कर गया, उसके बाद थोड़ा रुको, थोड़ा रुकने के बाद फिर आप fundus तक उसको ले जाओ धीरे से, और जिस तरफ वो जा रहा है अपने आप उस तरफ आप उसका मूवमेंट कराओ. सो डिफरेंस देखिए, यूटराइन साउंड और ब्लैडर साउंड हम बता रहे थे जो यूरेथ्रा से इंसर्ट किया जाता है. यूटराइन साउंड आपकी एंगुलेटेड रहती है, प्रोनाउंस्ड कर्व रहता है, और ब्लैडर साउंड जो होता है एंगुलेटेड होता है और जनरल कर्व होता है उसमें. ठीक है, एकदम हल्का सा कर्व होता है. और यूटराइन साउंड जो होता है वो कुछ ये थोड़ा सा राउंड है इस तरह का भी, जो हम आपको इंस्ट्रूमेंट वीडियो में दिखा रहे थे, उसका प्रोनाउंस्ड कर्व रहता है. ठीक है, ये कैलिब्रेटेड रहता है यूटराइन साउंड, इसमें मार्किंग्स होती है, मार्किंग्स, और ब्लैडर साउंड कैलिब्रेटेड नहीं होता है, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है. ओके, यहाँ पे दोनों इंस्ट्रूमेंट की फोटो दी गई है, आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, जब आप यूटराइन साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्रस का साउंडिंग कर रहे हैं, तो
शॉक हो सकता है पेशेंट को, पेन पेन हो सकता है ना, पेन की वजह से शॉक में जा सकता है पेशेंट, और परफोरेशन हो सकता है यूट्रस का, अगर आपने बहुत तेज फोर्स लगा दिया तो इस तरह से परफोरेशन सीधा अंदर से ये फोड़ के बाहर निकल जाएगा, एब्डोमेन के अंदर चला जाएगा आपका यूटेराइन साउंड, ठीक है। एंटीवर्टेड अगर है, रेट्रोवर्टेड है, तो दूसरी तरफ से आपका एंटीरियर साइड में परफोरेशन होगा। असेंडिंग इन्फेक्शंस, उसमें इन्फेक्शंस आ सकते हैं अगर वो सही से आपने स्टेरिलाइज नहीं किया हो, और एबॉर्शन इफ इंड्यूस्ड इन प्रेग्नेंट यूट्रस, अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और उसमें आपने यूटेराइन साउंड अंदर डाल दिया तो वहां पे एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। बच्चे का जो आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन वगैरह बनी होगी वो सब फूट जाएगी, उसका सारा पानी निकल जाएगा, तो वहां पे एबॉर्शन हो जाएगा तुरंत। तो आपको बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करना है और बहुत ही ध्यान रखना है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं नॉर्मल साउंडिंग ऑफ यूट्रस, कैसे इसने पकड़ा है हल्के से, यहाँ पे नीचे दूसरे हाथ से इसने सपोर्ट दिया है और एक फिंगर यहाँ पे आपके प्रोब को सपोर्ट कर रही है उसके थंब, ठीक है। और धीरे धीरे से फिंगर का सपोर्ट लेके ये अंदर डाल रहा है इस तरह से। और दूसरे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं परफोरेशन कैसे हुआ है, यहाँ पे स्पेकुलम लगा है और ये यूटेराइन साउंड अंदर से, देखिए यूट्रस में ऐसे करके ऊपर की ओर जाना चाहिए लेकिन ये सीधा फोड़ के ये इधर निकल गया है, एब्डोमेन इंटेस्टाइन के पास पहुंच गया है ना, तो यहाँ पे परफोरेशन हो गई है। बड़े ही ध्यान से आपको ये चीजें इस्तेमाल करनी है इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल इंजुरीज बहुत सारे केसेस में होता है, नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर को इस्तेमाल करना नहीं आता है और वहाँ पे गलती हो जाती है। आज हम लोगों ने यूटेराइन साउंड के बारे में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा ये इंस्ट्रूमेंट और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। नॉर्मली सर्विक्स का थोड़ा सा डायलेशन करने के लिए, फर्स्ट डायलेशन, देन यूट्रस का पोजिशन पता करने के लिए, उसकी लेंथ पता करने के लिए आप यूटेराइन साउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर अगली क्लासेस में प्रैक्टिकल क्लासेस हम लोग और भी करेंगे जिसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और भी नई नई चीजें पढ़ेंगे। दूसरी क्लासेस भी हैं, क्वेश्चन आंसर क्लासेस भी आ रही हैं, वो सब आप लोग जरूर देखिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग भी मेडिकल लाइन में है, तो सब लोग इसका फायदा उठा पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को मेरा नमस्कार।